एक मसला है, रोजगार ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने की बात है, जुमला नहीं है, वो एक मसला है। जिस तरह से पिछले सालों में हमने मिलकर के रोजगार के मसले पर छात्रों, युवाओं, महिला, किसान, हर एक वर्ग की बात को उठाते रहे हैं, उसका ये दूसरा पड़ाव हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो साथी यहाँ पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि 2020 में कोरोना के बाद से देश की बात फाउंडेशन ने एक ऐसी नीति पर काम करना शुरू किया जो कि इस देश के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, जाति के हों, धर्म के हों, उनको रोजगार मुहैया कर सकती हो। वो थी राष्ट्रीय रोजगार नीति, जिसे देश भर के प्रबुद्ध लोगों ने, IIT IIM के प्रोफेसर्स ने, वो तमाम रिसर्च स्कॉलर्स ने जो देश भर में एक बदलाव लाना चाहते थे, उन्होंने मिलकर के बनाया। और उस राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने के लिए अनवरत हम लोग संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। पिछले साल 16 से 22 अगस्त में रोजगार आंदोलन हुआ था यही दिल्ली में, जिसमें देश भर से लगभग 5000 संगठनों के भी साथी थे, प्रतिनिधि भी थे और उनके साथी भी थे जो उपस्थित हुए, और एक मजबूत आवाज़ हम लोगों ने सरकार के कानों में पहुंचाने का काम किया। 16 से 22 अगस्त के बाद संगठनों के और तमाम लगभग उसमें 200 से ज़्यादा संगठनों के लोगों ने भागीदारी करी, और उन तमाम ऐसे राष्ट्रीय संगठन जो कि अलग अलग मोर्चे पर संगठित होकर के काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि पहली बार एक राष्ट्रीय नीति के लिए हम लोग संगठित हुए थे, और ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है। रोजगार नीति पर ही हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी नीतियां हैं उस पर भी काम कर सकते हैं। किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, युवाओं के अलग मुद्दे हैं, फीस के मुद्दे हैं, यूनिवर्सिटी के मुद्दे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ रोजगार नीति पर ही क्यों बात कर रहे हैं, उस बात को समझने की ज़रूरत है। जब देश की बात फाउंडेशन ने और साथियों के साथ में मिलकर ये काम शुरू किया था, तो उस समय हर एक साथी को ये समझ में आता था कि जो 50 करोड़ युवा लगभग हैं, जो बेरोजगार अर्ध बेरोजगार की कैटेगरी में हैं, उन लोगों को लेकर के सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीमें हैं जिन्हें हम लोग पूंजी स्कीमें के तौर पर कह सकते हैं। कुछ एक छोटी मोटी स्कीमें हैं जैसे कि नरेगा, तो वो भी उन मजदूरों के लिए है जो कि मिट्टी खोदने का काम कर सकते हैं, मजदूरी वाले लोगों के लिए। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उनकी जॉब का सरकार कोई मैकेनिज्म नहीं करती। जो सरकारी भर्तियां हैं उनमें भी सरकार ने बहुत सारे कैप लगाए हुए हैं, राज्य सरकारों ने अलग अलग तरीके से उसमें अपने मैकेनिज्म को बनाया हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार को लेकर के कोई नीति नहीं है। रोजगार नीति के बाद 2018 में भारत सरकार ने अपने दोनों सदनों में ये बात हुई थी, और सरकार ने कहा कि हम लोग भारत के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाएंगे। अभी तक की मेरी जानकारी में जो है वो रोजगार नीति में लगभग 200-250 करोड़ रुपए की सैलरी पा चुके लोग हैं जो उन कमेटियों में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फाइंडिंग की है कि देश में जो 50 करोड़ युवा है वो जॉब उनको देना बहुत ज़रूरी है और उनके पास स्किल नहीं है। उनकी फाइंडिंग अभी तक यही है, उनके लिए कुछ बनाना है, क्या बनाना है उनको भी पता नहीं। तो पिछले दिनों हमने इस रोजगार नीति, आपके टेबल पर भी होगी, आपके पास जो भी साथियों ने दिया, इस रोजगार नीति को लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास भी गए हम, उनको भी दिया, उनके कार्यालय से भी बातचीत होती रही, आंदोलन के माध्यम से भी बात करते रहे, लेकिन वो हल नहीं निकला। अब अगला साल चुनावी साल है, हर एक जो पार्टी है वो अपना राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी करती है। हम लोगों की कोशिश रोजगार आंदोलन के माध्यम से जो 19 दिसंबर को जंतर मंतर से अनिश्चितकालीन अनशन के रूप में शुरू हो रहा है, हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि इस बार सरकार अपने सरकार इस पर ध्यान दे, और जो पार्टियां हैं जिन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है इस देश के युवा, छात्र, किसान, मजदूर, वो अपने मैनिफेस्टो में भी इसको शामिल करें। तो इसको लेकर के हम लोग अभी 19 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत कर रहे हैं जो कि जंतर मंतर से ही शुरू होगा। उसकी तैयारी के लिए आज हम लोगों ने रोजगार संवाद रखा है जिसमें 2-3 मसले हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूं कि जो तैयारियां अभी हो रही हैं रोजगार आंदोलन को लेके। 1 दिसंबर से दिल्ली में ऑटो कैंपेन और
एक दिसंबर से ही सोशल मीडिया कैंपेन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम सारे साथी मिल करके ऑटो कैंपेन तो खैर एक जगह से लॉन्च होगा, उसमें एक रोजगार आंदोलन 19 दिसंबर और जंतर मंतर, ये तीन ही चीजें लिख करके हम ऑटो कैंपेन शुरू कर रहे हैं और सोशल मीडिया कैंपेन भी। तो आप सबसे आग्रह के जो साथी यहाँ आए हैं वो जो प्लान करके जिन साथियों के माध्यम से आप जुड़े हैं आपको बताएंगे।